चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहन पेश करते हैं एक बहुत हसीन वाकया, नेक बीबी की कब्र से रहमत की खुशबू। फनकार हाजी तस्लीम आसिफ और इसके शायर हैं जनाब खुमार देलवी। इसको अपनी मौसीकी से सवारा है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो चंद्र गांधी जी की है। लीजिए समाप्त करें वाकया नेक बीबी की कब्र से रहमत की खुशबू हाजी तस्लीम आसिफ की आवाज में। ज़ईफ़ा थी जो एक कस्बे में रहती थी शराफत से, कभी गाफिल ना होती थी वो शौहर की इताअत से। न थी उसको परेशानी मुसीबत और ना बीमारी, कजा का वक्त आया हो गई अल्लाह को प्यारी। अचानक इस तरह की मौत का एहसास था सबको, सभी देने को मिट्टी आ गए छोटे बड़े उसको। रुखे रोशन ज़ईफ़ा का अजीजो जिसने देखा था, उसे लगता खुदा का नूर चेहरा था ज़ईफ़ा का। मिलाया और कफनाया, कफन पर खुशबू छिड़का दी, सभी ने फिर पढ़ी मिलकर नमाज उसके जनाजे की। उठाकर उसकी मैयत को चले जब लोग कांधे पे, तो ये लगता था कांधों पर बहिश्ते फूल है रखे। ज़ईफ़ा को सुपर्दे खाक जब अपनों ने फरमाया, खुदाए बादहू ने एक करिश्मा सबको दिखलाया। फुबारे खुशबुओं के कब्र से ऐसे निकलते थे, गुमा तक ऐसी खुशबू का किसी को ना हुआ पहले। मचलती थी तबीयत सबके लब पर ये ही आता था, इलाही कैसी खुशबू है जो कर देती है दीवाना। ये आलम देख के लोगों
अमल हम भी करेंगे उसके जैसे अपनी जानिब से। खुदा हो जाए राजी हमको ऐसा मर्तबा दे दे। कहा शोहर ने तुमको क्या अमल बतलाऊं मैं उसके। अमल ऐसे थे जैसे होते हैं अल्लाह वालों के। कहा लोगों ने इससे भी ज्यादा कुछ अमल होंगे। कि जेरे खाक यूं तो रब के लाखों नेक हैं बंदे। न ऐसा माजरा देखा किसी की हमने तुर्बत पे। यकीनन राज है कोई छुपा रखा है ये हमसे। अड़े जिद पे जो सारे लोग तो उसने ये फरमाया। मेरी इस इल्तिजा पे गौर फरमाए हर एक बंदा। ये गहरा राज है इस राज को हरगिज ना खोलूंगा। कसम दी है मेरी बीबी ने मैं इसको ना तोड़ूंगा। ये सुनकर चुप हुए सब मुंह लगे आपस में वो तकने। वहां पर एक आलिम थे लगे उससे वो ये कहने। बुराई जिससे जाती हो तो जिद छोड़नी बेहतर। भला हो जिससे लोगों का कसम वो तोड़नी बेहतर। कहो तुम बेखतर होकर जरा भी मत करो परवाह। कसम के टूट जाने पर अदा कर देना कुफारा। शादी जो दिन खुशियों का होता है मैं था उस दिन भी उलझन में। इसी उलझन को सुलझाने लगा मैं पास दुल्हन के। सलाम उसको किया मैंने जरा नजदीक जा बैठा। बड़ी ही कश्मकश के बाद मैंने अपना मुंह खोला। शरीके जिंदगी तुम हो गई ये क्या हुआ हाय। खुदा ऐसी मुसीबत में किसी को भी नहीं डाले। सुना दुल्हन ने जब इतना तो वो बोली मोहब्बत से। मैं जाऊं आप पे बारी बताओ क्या मुसीबत है। मोहब्बत से भरी बातें सुनी तो मैंने हिम्मत की। परेशानी जो मुझको थी वो मैंने उसको बतलाई। बताऊं क्या छुपाऊं क्या पड़ा हूं ऐसी उलझन में। ऐ मेरी हाँ
हम सफर सुन ले नहीं औरत के काबिल में। कसम अल्लाह की सच कह रहा हूँ तुम यकीन करना, हमेशा मैं तो शादी से सनम इनकार करता था। चालो तुम अगर चाहो ये मिट्टी में मिला डालो, अगर ये हो सके मेरी खता को माफ फरमा दो। रहो तुम पास मेरे या खुशी से अपने घर जाओ। सुना दुल्हन ने इतना तो हथेली रख दी होठों पे, बड़े ही प्यार से उसने कहा लिल्लाह बस कीजिए। मैं भी हूँ तुम्हारी, तुम मिजाजी हो खुदा मेरे। कसम अल्लाह की दिल में रहोगे तुम सदा मेरे, कभी रुसवा तुम्हारी आबरू होने नहीं दूंगी। हर एक अरमान अपना आप पे कुर्बान कर दूंगी। ये सुनना था कि दिल में इश्क के तूफान से उठे, रखे कांधों पे सर आखिर लगे जज्बात में रोने। कहा दुल्हन ने फिर ये आप मुझसे एक करो वादा। सुनो शादी शुदा रहते हैं जैसे इस तरह रहना, किसी को शक ना हो जाए कभी भूले से भी हम पर। निगाहें बद ना डालेगा इसी बाइस कोई हम पर, किसी भी हाल में जाहिर ना हो ये राज दुनिया को। कसम है आपको मेरी अगर इस राज को खोलो, ऐसे मेरे माँ बाप ख्वाहिशमंद हुए फिर पोता पोती के। तमन्ना उन
जब निकलती ना नजर आई, मेरी अम्मा ने फिर मुझको बुलाकर बात ये पूछी, ये आखिर माजरा क्या है, बहू की गोद सुनी है। मुझे लगता है ऐसा कुछ तुम्हारी बांझ बीबी है। सुनिए बात अम्मा की, मेरे दिल को लगा झटका। मैं समझा बात काटी और कहा रब की है ये मंशा, दखल अल्लाह की कुदरत में कोई दे नहीं सकता। न दे औलाद जिसको रब वो जबरन पा नहीं सकता, मेरे माँ बाप ने मुझको ये समझाने में हद कर दी। जरूरी हो गई बेटा तुम्हारी दूसरी शादी, जो मसला दूसरी शादी का मेरे सामने आया, तो मैंने तल्ख लहजे में बड़ों को अपने समझाया, मैं अपनी दूसरी शादी का हरगिज नाम ना लूंगा। करोगे जिद अगर ज्यादा तो अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर हो गए खामोश, लेकिन दिल में गुस्सा था। मेरे परदेश जाने का बनाया फिर तो मंसूबा, कभी बेबात पे ताना, कभी कोसा गया उसको, कभी धुड़का कभी मारा, कभी बदजात ठहराते, कभी कमबख्त कहते थे। बेचारी को घड़ी भर चैन से रहने न देते थे, सितम सहती रही उनके हमेशा फिर भी हंसती थी। वो हर सदमात के बदले दुआएं उनको देती थी, पलट कर एक अरसा बाद में परदेश से आया। जो देखा मैंने उसका हाल, मेरा दिल तड़प उठा। जवानी खत्म थी उसकी, था चेहरा जर्द पत्तों सा। न थे अंदाज पहले से अजब सा उस कथा नक्शा, किया मालूम कैसे हो गई है ये तेरी हालत। तो बोली हंस के मुझको, खा गई है आपकी फुरकत, तुम्हारी याद में हर वक्त दिल बेताब रहता था। न शब को नींद आती थी, न दिन में चैन मिलता था, जो शौहर की जुदाई में हमेशा चूर हो हमसे। बताओ ऐसे आलम में कहां तंदुरुस्ती रहती है। सुनी मैंने जो बातें, ये ताज्जुब में हुआ मैं गुम। सदा निकली मेरे दिल से, फरिश्ता तो नहीं हो तुम। यहाँ आने से पहले ही पता।
जिसने सताया है उसे हरगिज ना छोड़ूंगा। खबर लूंगा मैं उन सब की, सदा को रिश्ता तोड़ूंगा। मुझे गुस्से में देखा तो कहा उस नेक बंदी ने, अजी माँ बाप पर अपने कभी गुस्सा नहीं करते, बड़े हैं वो बड़ों का तो हमेशा काम है कहना। अदब लाजिम है छोटों पर, सदा उनका अदब करना। कहा मैंने कसम लिल्ला, वापस लीजिए अपनी। तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे अब देखी नहीं जाती, तुम्हारे रंजो गम दर्दो अलम अपने बना लूं मैं। तुम्हारी हर मुसीबत को कलेजे से लगा लूं मैं। कहा उसने तुम्हारा सारा कहना मान लूंगी मैं। कसम के टूटते ही ये समझ लो जान दूंगी मैं, तुम्हारे हुक्म की तामील करना फर्ज है मेरा। खुदारा बात मेरी ये हमेशा ध्यान में रखना, कसम को तोड़ देना तो बड़ा आसान होता है। जो वादा करके तोड़े वो बुरा इंसान होता है। कहा मैंने तुम्हें ऐसा कभी करने नहीं दूंगा। बुरी है खुद खुशी, मैं खुद खुशी करने नहीं दूंगा। इसमें कुछ नहीं दिक्कत, मगर बच्चों पे लाजिम है सदा माँ बाप की खिदमत। यही रह लो या फिर उनको भी अपने साथ में ले लो। किया माँ बाप को राजी तो राजी कर लिया रब को। जब उसके दिल में मैंने दोस्त तो ये बलबला देखा, इरादा कर दिया रद मैंने अब परदेश जाने का। मेरे माँ बाप भी उसके चलन से हार बैठे थे, लिया दिल जीत उसने हर किसी का अपनी खिदमत से। गुजारी उसने सारी जिंदगानी नेक कामों में, दिया बदला हमेशा ही बुराई का भलाई से। मेरी इज्जत को अपनी जान से बढ़कर समझती थी, वो अपनी आरजू को सबके दामन में ही रखती थी। यकीनन इस अमल के ही सबब राजी हुआ मौला। खुदा ने जिसके बदले में उसे बख्शा है ये रुतबा। दिया करते हैं जो भी अपने अरमानों की कुर्बानी, मुअत्तर खुशबुएं जन्नत से होंगी तुरबतें उनकी।
ये पैगामे शरीयत है, यही एहकामे कुदरत है। किसी के ऐब ढक लेना मेरे आपा की सुन्नत है।